मीखों का घर मेघालय। मैं मीखना हूँ। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य मेघालय में रहने वाली एक बालिका हूँ। मेरा सुंदर सा नगर खासी की पहाड़ियों पर स्थित है। ये नगर समुद्री सतह से लगभग 5000 फुट की ऊंचाई पर बसा है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को स्कॉटलैंड कहा जाता है। इस पहाड़ी राज्य की उत्तरी और पूर्वी सीमाएं असम से और दक्षिणी तथा पश्चिमी सीमाएं बांग्लादेश से मिलती हैं। शिलोंग इस राज्य की राजधानी है। वस्तुतः ये एक पठार है जो ऊंचे ऊंचे चीड़ के वृक्षों से आच्छादित है। छोटी बड़ी अनेक नदियों और नालों, झील तथा झरनों ने इस नगर को आकर्षक तथा सुंदर बना दिया है, जिसे देखने असंख्य पर्यटक यहाँ आते हैं। शिलोंग चोटी, वार्ड लेक, लेडी हैदरी पार्क, एलिफेंट जलप्रपात, कैथोलिक कैथेड्रल आर्चरी और एंग्लिकेन सिमेंट्री चर्च यहाँ के कुछ मुख्य पर्यटन स्थल हैं। मेरे नगर की जलवायु बहुत मनोरम है। जून से अक्टूबर तक मानसून सक्रिय रहता है, अतः यहाँ खूब वर्षा होती है। संसार भर में अधिकतम वर्षा के लिए विख्यात स्थल चेरापूंजी यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी कारण मेघालय को मेघों का घर कहा जाता है। यहाँ के लोग खासी, गारो तथा अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। यहाँ मातृ प्रधान समाज है। पति पत्नी के यहाँ रहने जाता है और उसी का सर नाम लेता है। सारी जमीन, जायदाद, दौलत सबसे छोटी पुत्री को विरासत में मिलती है। इसीलिए यहाँ की महिलाओं में आत्मविश्वास है। वे स्वयं सशक्त हैं। उन्हें महिला सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है। यहाँ हम जैसी लड़कियाँ एक खास ड्रेस पहनती हैं। इसे जेनसिम कहा जाता है। ये घुटने तक लंबा शॉल सा होता है, जो कि कंधों से पिन या गांठ द्वारा बांधा जाता है। हमारे नगर में शिक्षा के लिए अच्छी सुविधा है। यहाँ पर अच्छे अच्छे स्कूल, कॉलेज तथा एक विश्वविद्यालय भी है। इन शिक्षण संस्थाओं में स्थानीय तथा अन्य राज्यों के अनेक छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। लड़कियों के लिए पढ़ाई की विशेष सुविधा है। उनके लिए यहाँ अलग से कई स्कूल और कॉलेज भी हैं। ये नगर पूर्ण रूप से अपने आप में अनूठा है। इस सुंदर नगर की सुंदरता तभी बनी रह सकती है जब यहाँ पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इसकी सुंदरता को बनाए रखने में निरंतर सहयोग देता रहे।